नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर लगातार आज तक की खास कवरेज जारी है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और वहां के अपडेट्स भी बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का दावा कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर ये कहा है कि रूसी सैनिक कीव में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो घर पर ही रहें, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के निशाने पर नंबर वन हूं, दूसरा नंबर मेरे परिवार का है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सरकारी आवास में है और सरकार को चलाने के लिए जरूरी कर्मचारियों के साथ हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस से जंग में दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन में किस तरीके से तेजी से हालात बदल रहे हैं ये उसकी एक तस्वीर है और आप रूसी टैंकों को उन तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं। तीन तरफ से हमले की शुरुआत हुई थी, उसके बाद चौथी ओर से भी आक्रमण कर दिया था रूस ने। आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है, उसके बावजूद 36 घंटे बाद की ये तस्वीर। रूस अगर अपनी तरफ से यह कहता है कि हम यूक्रेन पर काबिज नहीं होना चाहते हैं, केवल वहां की सत्ता बदलना चाहते हैं, डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को, तो क्या यह गति उससे मेल खाती है? इस समय स्टूडियो में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि कूटनीति और सैन्य नीति दोनों को यहां पर समझना आवश्यक हो जाता है। एम्बेसडर राजीव डोगरा हमारे साथ है और एम्बेसडर केसी सिंह हमारे साथ है, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ हैं और मेजर जनरल बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं। और जो समाधान इस पूरे मामले का निकलना है, देखिए सैन्य मुकाबला जमीन पर चल रहा है लेकिन कूटनीति दुनिया कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उससे सुलझेगा मामला, किससे सुलझेगा यह पता नहीं लेकिन अभी तो सैन्य नीति हावी दिख रही है। एम्बेसडर डोगर, देखिए जो लेटेस्ट बयान आया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का वो काफी निराशाजनक है। वो उससे तो ऐसा लगता है कि मनोबल बढ़ाने की जगह उन्होंने अपने सारे हथियार जो हैं वो फेंक दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले आज सुबह एक और बयान उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे अपील की है, सबसे टेलीफोन किया है नेटो मेंबर कंट्रीज से और किसी ने भी मेरी मदद का दावा नहीं किया। तो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है जो इसको कहते थे कि हम आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, नेटो की मेंबरशिप देने के लिए तैयार हैं। तो जब जरूरत की घड़ी आई तो वो एक किनारा कर दिया। सबसे ज्यादा जिसका नेगेटिव रोल है वो मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का कहूंगा, क्योंकि तो 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि अगर रशिया इफ इट निबल्स अ लिटिल बिट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी आई डोंट माइंड इट। तो भाई आपका तो नहीं है ना यूक्रेन, आप क्यों इसके ऊपर सिपा सलार बनते हैं, वो कह के उन्होंने एनकरेज कर दिया रशिया को। उसके बाद हर दूसरे दिन वो बयान देते थे कि हाँ 2 दिन के बाद रशिया अटैक करने वाला। अगर आपको ये सब पता है तो आपने डिप्लोमेसी इफेक्टिव क्यों नहीं की? इसका मतलब डिप्लोमेसी भी उनकी फेल हो गई। और दूसरा ये है कि इधर से उधर भागते रहे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, पर किसी से उनको इफेक्टिव सपोर्ट नहीं मिली। यहां तक कि जर्मनी भी हिचकिचाता रहा ओपनली रशिया के अगेंस्ट आने की। और तीसरी बात जो सैंक्शंस की वो करते रहे, वो दुनिया को समझ नहीं आई कि सैंक्शन लगा के रशिया को वो किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो रशिया तो मेजर नंबर 2 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है दुनिया का।